नमस्कार, मैं आशीष तिवस्तर PCS क्लास पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में मैं आपके सामने आया हूँ मैथ की क्लास लेकर। तो हम देखेंगे कि मैथ इस समय किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे PCS का CSAT का पेपर हो, चाहे लोअर PCS के प्री और मेन की बात हो, चाहे BEO की बात हो, चाहे आपका UPSI की बात हो, चाहे UPTET CTET की बात हो, चाहे रेलवे NTPC, सभी परीक्षाओं में मैथ पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि लोअर PCS एग्जाम जो कि पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता था, उसको अब किसे दे दिया गया है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसे आप UP SSC नाम से जानते हैं। UP SSC लोअर PCS का एग्जाम UP SSC को दे दिया गया। इनको दे दिया गया तो इन्होंने इसके सिलेबस में प्री और मेन डिसाइड किया है कि आपका प्री का एग्जाम होगा और मेन का। जैसा कि आपको मालूम है कि प्री का एग्जाम हो चुका है, आप लोगों में से काफ़ी लोग दिए भी होंगे। प्री में हम केवल मैथ की यहाँ बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था। मेन की बात करें तो मेंस में इन्होंने बोला है कि दो पेपर लेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर आपका क्या ऑब्जेक्टिव ही होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा मेंस के नाम पे। पहले जब लोक सेवा आयोग करवाता था तो मेंस डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव ही होगा। पहले पेपर में 75 क्वेश्चन GS के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। सेकेंड पेपर में 75 क्वेश्चन मैथ और साइंस के और 25 क्वेश्चन किससे, हिंदी से पूछा जाएगा। तो आप देखिए मैथ का कितना वेटेज है। अगर इन 75 में मैथ का वेटेज आप देखेंगे तो UP SSC ने जो प्रीवियस में एग्जाम लिया हो जिसमें 75 क्वेश्चन मैथ और साइंस पूछा हो, उसका आप पेपर उठा के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 40 मैथ का, 35 साइंस का, चाहे 38 मैथ प्लस 37 साइंस पूछा है इन्होंने। कभी 40 मैथ पूछा है, कभी 38 मैथ। तो आप देख लीजिए, चाहे 40 पूछे हैं चाहे 38, अच्छा खासा वेटेज है आपका मैथ का लोअर PCS में। उसी क्रम में आप देख लीजिए पहले डिटेल सिलेबस लोअर PCS का, स्क्रीन पे देखिए। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है उसमें 150 क्वेश्चन थे 300 नंबर के, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक 50 नंबर के। अब हम आते हैं मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस के सिलेबस में पेपर 1 में आप देख लीजिए GS और रीजनिंग दिया हुआ है, और पेपर 2 में क्या दिया गया है, सामान्य विज्ञान, अंकगणित और सामान्य हिंदी, ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि जो मेंस का पेपर है, दोनों पेपर 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट का है। प्री का पेपर 2 घंटे का था, लेकिन मेंस के दोनों पेपर 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट के हैं। अब आगे हम आके देखते हैं कि मैथ के सिलेबस में इन्होंने क्या क्या दिया है। तो आप देखिए नंबर 2 पे क्या लिखा गया है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। इन्होंने केवल एक लाइन में सिलेबस लिख दिया कि प्रारंभिक गणित होगा हाई स्कूल स्तर तक का, अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित इसमें आएंगे। अब उसको हम डिफाइन करें कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसी क्रम में आपका क्लास आज का है कि हमको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैथ के सिलेबस को देखिए आप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडिसेस, शॉर्ट्स, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिक्वेंस एंड सीरीज, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व टेबल व ग्राफ। ये कंप्लीट आपका क्या है, मैथ का सिलेबस। इसको हम लोग एक एक चैप्टर को उठाते जाएंगे, उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे। पहले बेसिक लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग लोअर के मेंस में जिस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का होगा, कहाँ गया, एवरेज। एवरेज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अगले वीडियो में हम एवरेज चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आप एक बार फिर से पूरा सिलेबस देख लीजिए मैथ का, एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। हाँ देखिए, आपके सामने यह रहा सिलेबस, ठीक है। चलिए
आप अपना सिलेबस नोट कर लीजिएगा, और अगले क्लास में हम मिलते हैं आपसे एवरेज चैप्टर के साथ। ठीक है।